कोई भी किचन थीम से रिलेटेड प्रिंट आउट लेके उस इमेज को कट करना है। ये मेरा पुराना चॉपिंग बोर्ड है जिसे मैं यूज नहीं करती हूँ। फिर इसको मॉड पॉज की हेल्प से चॉपिंग बोर्ड पे पेस्ट कर देना है। Then we need to highlight the image using acrylic colors. Paint the text using white acrylic color. Finally, apply another layer of Mod Podge and obviously some varnish also. Tie some jute string. And we are done. ये कोई भी पुरानी मैगजीन लेके उसके पेपर से हम ऐसे पतले पतले रोल्स बनाएंगे। इन पर दो तीन कोट ब्राउन एक्रेलिक कलर करके हम लकड़ियों वाला लुक देंगे।
हॉट ग्लू गन की हेल्प से हम अपने अल्फाबेट्स बनाएंगे। इन अल्फाबेट से हम दो वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, टी या ईट। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। अब इन अल्फाबेट्स पे हम कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स पेस्ट करेंगे। ये छोटे छोटे कैनवस लेके इन पर डिस्ट्रेस इंक से ब्रिक्स वाला बैकग्राउंड बनाएंगे। इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रेस इंक एंड इट्स टूल्स पर मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। आई एम कम्प्लीटली इन लव विद दीज इंक्स। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आप आगे आने वाले वीडियोस के बारे में अपडेटेड रहेंगे। इसको हम बहुत थोड़े से हॉट ग्लू गन से पेस्ट करेंगे, जिससे कि हम जब चाहे तब इसको इजीली रिमूव करके कैनवस को रीयूज कर सके। मैंने अभी भी इसी तरह से कैनवस रीयूज करा है। दिस इज नॉट अ न्यू वन। इजंट इट लुकिंग अमेजिंग? ये मेरी एक ओल्ड डिस्कार्डेड केटल है, इस पे पहले हम जल्दी से जेसो अप्लाई करेंगे। स्पॉन्ज डैबर की हेल्प से ब्रश स्ट्रोक्स हटाएंगे। फिर इस पर हम ये पेस्टल पेंट, चॉक पेंट अप्लाई करेंगे जो कि मैंने इट्सी बिट्सी से लिया है। उनके पास इसके और भी बहुत से बहुत ही सॉफ्ट पेस्टल शेड्स अवेलेबल हैं। फिर हम अपनी स्टेंसिल यूज करते हुए ये सेंटीमेंट लिखेंगे। आप डायरेक्टली ब्रश से भी पेंट कर सकते हो। पिंक कलर से पेंट करके हम इसका ब्लू हैंडल पूरा हाइड करेंगे। इसकी लिप पे हम व्हाइट पेंट से थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे। फिर हम इसको पिंक कॉटन ट्वाइन से रैप करेंगे। कुछ पर्ल्स पेस्ट करेंगे। फाइनली यू नीड टू अप्लाई अ कोट ऑफ वार्निश।